और जब हम वहां पहुंचे लाश तो मौजूद थी लेकिन ब्रीफकेस गायब हो चुका था। लाश जिस गुंडे की थी वो केके के लिए काम करता था। इससे तो यही जाहिर होता है कि जो गोली मारकर मार ले गए हैं वो दुर्जन के ही आदमी हो सकते हैं, क्योंकि वो केके का पुराना दुश्मन है। इंस्पेक्टर, मैं चाहता हूं कि इस खतरनाक गैंग को खत्म कर दिया जाए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, मैं रिजल्ट चाहता हूं। राजन, राजन मर गया, मेरा राजन मर गया। दुर्जन, दुर्जन ने मेरे राजन को मार डाला। सोना, मेरे 50 लाख का सोना भी ले गया। दुर्जन, राजन, राजन। पिछले 3 महीनों में हमारा 3 करोड़ से ज्यादा माल दुर्जन के कब्जे में जा चुका है। क्यों? क्या दुर्जन हमसे ज्यादा होशियार है? नहीं। तो क्या दुर्जन का ग्रोह हमारे ग्रोह से ज्यादा बड़ा है? नहीं। तो फिर क्या वजह है वो हमसे हमारा माल छीन कर ले जाता है? बोलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बोलो। केके साहब, दुर्जन बहुत चालाक है, वो अचानक हमला करता है। ओ, उसे अचानक हमला नहीं करना चाहिए, उसे बताकर आना चाहिए, होशियार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। वो अपने अड्डे भी बदलता रहता है केके साहब। जी जी जी, ये बहुत बुरा करता है। उसे अपना नाम पता छपवा कर तुम्हारे लिए भेजना चाहिए। क्यों केके साहब, वो बात ये है। अब तुम लोग मेरी बात सुनो। दुर्जन हमसे इसलिए जीतता है कि मेरे साथी तुम जैसे हिचड़े हैं, जो बाल खाकर भागना जानते हैं, पलट कर हमला करना नहीं जानते। तुम जैसे नामर्दों की मदद से मैं दुर्जन से कभी नहीं निपट सकता। उसे मारने के लिए एक मर्द की जरूरत है और ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। कौन है वो? जो चाकू की नोक से वक्त की हथेली पर अपना मुकद्दर लिख चुका है, सिकंदर। God is mine, God is mine. Come on, और कोई है हमारे सामने खेलने वाला? है किसी में हिम्मत? है किसी में हिम्मत? बोलो, है? हाँ है। सिकंदर। ये सिकंदर है, इस इलाके का बेताज बादशाह। So what? तुम जानते हैं कौन है? The greatest gambler of the states, अमेरिका का सबसे बड़ा जुआरी, Alexander। हिंदुस्तानियों से बड़ा जुआरी कोई नहीं होता प्यारे। यहाँ का हर आदमी प्यार का जुआ खेलता है, जान की बाजी लगाता है और दिल दांव पे रख देता है। जितना ऊंचा बोलता है उतना ऊंचा खेल भी सकता है क्या? सिकंदर से खेलने के लिए कपड़े की जेब में कागज के नोट नहीं, पत्थर की छाती में फौलाद का दिल चाहिए। जुआ दिल से नहीं, हाथ से खेला जाता है। ओ, तो तुम सिकंदर के हाथ देखना चाहते हो? ₹10 लाख, पहली और आखिरी बाजी। मंजूर, आप ये बताओ खेल क्या है? मौत का खेल। इसमें एक गोली है, जो किस्मत का सिकंदर होगा वो मौत को भी जीतेगा और खेल को भी। किस्मत आजमाओ मेरे विदेशी हमनाम। यू फर्स्ट। एक। दो।
तीन जानना चाहती हो लिखने वाला सिकंदर मेरा नाम।
यहाँ तू चला जाएगा। जीने वालों जीने से क्या डरना, जो भी जीने आए वो ही करना। हर दिन को तू प्यारे ऐसे जीना, जैसे हर दिन मौत से हो छीना। क्या खबर कौन सी सांस हो आखिरी। मम्मा मिया मुझे प्यार है, सारे जहां से बड़ा प्यार है। देवता हसीनों का आशिकी का गुलाम, खुद का मुकद्दर लिखने वाला सिकंदर मेरा नाम। Yes. You're really naughty, darling. Yeah, thank you. Hello? Sikandar? कौन बोल रहा? मैं KK बोल रहा हूँ। हाँ बोलो KK। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो क्या बात है? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस शहर में दो नंबर का धंधा सिर्फ तीन आदमियों के कब्जे में है, तुम्हारे मेरे और दुर्जन के। हमने आज तक कभी किसी का रास्ता नहीं काटा, लेकिन दुर्जन ने अब एग्रीमेंट तोड़ दिया है। वो मेरे आदमियों को मार मार कर मेरा माल छीन कर ले जाता है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? दुर्जन को खत्म करना है। मैं किसी को जान से नहीं मारता। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। दुर्जन का माल आज ओल्ड एयरपोर्ट पर आ रहा है। मुझे माल चाहिए। उसके बदले में मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। इसका मतलब माल बहुत कीमती है। मुझे माल की कीमत की कोई परवाह नहीं है सिकंदर, मुझे सिर्फ दुर्जन को शिकस्त देना है। तुम्हारे दरवाजे के बाहर एक बैग है, उसमें 10 लाख रुपए है। बाकी काम हो जाने के बाद। एक मिनट। ठीक है, दुर्जन को शिकस्त मिलेगी। केशव अंदर, लाखम लॉरेंस। पुराने एयरपोर्ट जाओ। सेठ घनश्यामदास जी 50 लाख का सोना हमें बेचने के लिए आ रहे हैं। उसके बदले हमें क्या देना है मास्टर? हमने KK का माल लेने के बाद उसे क्या दिया था? उसके आदमी की लाश।
दुर्जन, इस ब्रीफकेस को ले जाने से पहले ये तो देख ले कि इसमें सोना भरा हुआ है या पत्थर। तो यहां तक भी आ गया। तुम ही तो ले आए, गलती तुम्हारी है। अपनी मुसीबत को अपनी ही गाड़ी में यहां तक ले आए, और अगर तुम इस मुसीबत से बचना चाहते हो तो इस बैग को मेरे हवाले कर दो। सिकंदर, शायद तुम ये नहीं जानते कि दुर्जन के माल पर हाथ डालने वाले का अंजाम क्या होता है। इस शहर में सभी जानते हैं कि जब एक चोर किसी का माल चुराता है तो उस माल पर सिर्फ सिकंदर का हक होता है। सिकंदर साहब। कैसे हो भाई? दया आपकी, हम गरीबों के दो ही दाता हैं, एक ऊपर वाला और एक आप। आपके दरवाजे से खाली झोली कोई नहीं लौटा। आपकी गरीबों लाचारों पे नजर बनी रहे। सारी दुनिया मुझे छटा हुआ गुंडा और नामी चोर समझती है, लेकिन तू जानता है कि मैं क्या हूं। जादूगर है बजरंग जी, भड़के हुए ऊंट को अपने हाथ के इशारे से गिरा दिया। ये मंत्र कहाँ से सीखा? जंगल में एक साधु महाराज मिल गए थे, उन्होंने हमारी सेवा से प्रसन्न होकर ये मंत्र इन्हें दे दिया। इनके सामने कोई भी जानवर अपने चार पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता, चार पैरों पर। लेकिन भैया, क्या फायदा किसी चार पैरों वाले पर मंत्र चला के? किसी दो पैर वाली पे मंत्र चलाते तो मुझे भाभी तो मिल जाती। फिर तूने वही बात शुरू कर दी। मैंने कहा ना, पहले तेरी डोली उठेगी। क्यों? मुझे नहीं करनी है शादी वादी,
अगर मैं चली गई तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अरे शहर में वो काकी है ना अपनी, उसे ले आएंगे। बड़े ले आएंगे काकी। क्या काकी मेरी तरह तुम्हारी सेवा कर सकती है? हाँ, मैं जितना अच्छा खाना तुम्हें खिलाती हूँ वो खिला सकती है। मैं जितनी अच्छी चाय तुम्हें बना के देती हूँ तुम्हें बना के दे सकती है क्या? कभी नहीं। इसीलिए जब तक भाभी नहीं आती मैं शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। भाई बजरंगी, इतना अच्छा भाषण तो कोई वकील भी नहीं दे सकता। अब तो तुम शादी कर ही डालो। ये बात हुई ना काका, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। शादी के दिन मुझे याद करा देना, मैं तुम्हें 4 लड्डू ज्यादा दे दूंगी। आप घर चलेगी भी या नहीं? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम्हारी बात में मैं भूल ही गई। क्या? पहले घर चलो फिर बताती हूँ। अरे बता तो सही, बात क्या है? अरे इतनी दूर से दौड़ाती हुई ला रही है। पहले बैठो। लेकिन बैठो। ओफो, जब भी देखो हुक्म चलाती रहती है मुझ पर। क्यों नहीं, आज बहन के लिए खुशी का सबसे बड़ा दिन है। अरे समझा, ससुराल वालों की चिट्ठी आई होगी। मैंने उन्हें लिखा था कि मुहूर्त निकलवा कर अपनी अमानत ले जाओ। आज का दिन वाकई बहुत शुभ है। वो चिट्ठी दे। भैया मैं तुम्हें राखी बांधने लाई और तुम मुझे घर से निकालने की बात कर रहे हो। धत तेरे की। अरे मेरी तो मत ही मारी गई। लेकिन पगली, हर भाई को राखी का लाल धागा बहन की मांग का सिंदूर नजर आता है। भाई सिर्फ अपनी बहन को दुल्हन नहीं बनाता, वो तो राखी का फर्ज अदा करता है। हमने जो माँ को वचन दिया था ना, वो पूरा हो जाए तो हम सत्यनारायण की कथा करें। भैया तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो। अरे ये क्या कह रही है? मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हर जन्म में तू मेरी बहन बने और हर जन्म में मुझे भाई का फर्ज अदा करने का मौका मिले। चलो आंसू पहुँचो, रोते नहीं है, आज राखी का दिन है। भैया मैं कितनी भाग्यवान हूँ जो मुझे तुम जैसा भाई मिला। मैं अभी राखी लाती हूँ। अपनी बहन शारदा का ख्याल रखना। रिश्ते नाते बहुत है जग में, कोई न रिश्ता ऐसा। भाई बहन का प्यार है पावन, गंगा जल के जैसा। मैं उस घर की करूं हिफाजत, तू जिस घर का गहना। Thank you.
चालक और चालक चलने वाली चीज की परीक्षा लेकर ही आश्रम में रखता है। चाकी मक्की मक्की खेले, अरे सत्संग करेंगे, मजा आएगा, आनंद आएगा, नहीं सुनेंगे। आप कुत्ते के बच्चे, क्या मैंने ये आश्रम इसलिए खुलवाया था? मुझे भूल सुधारना भी आता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उल्लू के पट्टे, माफी मांगनी है ना तो अपनी माँ से माफी मांग, जिसकी तुम इज्जत लूट रहा था। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आइंदा किसी माँ बहन बेटी को सर उठाकर देखने की कोशिश की तो इस सर को धड़ से अलग कर दूंगा। जा, दोबारा इस आश्रम में आने की कोशिश मत करना। अरे जो, आज से ये आश्रम तुम चलाओगी, ये लो इस महीने का खर्च। जी। सिकंदर, अरे लगता है बड़ी होटल में पहली बार आया हो। इतना भी नहीं जानते कि किसी की टेबल पर बैठने से पहले उसकी इजाजत लेनी चाहिए। मजाक छोड़ो, पहले ये बताओ मेरा माल कहाँ है? माल? हाँ। कैसा माल? मैंने तुमसे कुछ उधार लिया था क्या? हाँ? उधार नहीं सिकंदर, 10 लाख रुपए नकद लिए थे एडवांस में दुर्जन का सोना लाने के लिए। ये दुर्जन कौन है भाई साहब? लगता है माल देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई है। देखो, चोरों के भी अपने असूल होते हैं। चोर? हाँ। अरे भाई, चोर होता तो तुम्हारे असूल जरूर मानता। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? हाँ, तो तुम भी ऐसे नहीं मानोगे। पुलिस बुलानी पड़ेगी। एक तो खाने की मेज पर बिन बुलाए बैठ गए, ऊपर से गालियां भी दे रहे हो। मैं तुम्हें देख लूंगा सिकंदर। एक तो चोरी, ऊपर से दादागिरी। What happened, sir? देखिए साहब, न जाने कौन है ये, कहता है मैंने इसका माल चुराया। जरा इनकी हालत तो देखिए, मालूम होता किसी पागल खाने से भागे हुए। ये देखो, ये देखो, ये देखो, you bastard! देखा? मैनेजर साहब। सर, वन चैंपियन प्लीज। ओके सर। सारे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स पर कड़ी नजर रखी जाए। कलकत्ता पुलिस ने खबर दी है कि स्मगलरों का एक आदमी हीरे लेकर यहाँ आ रहा है और किसी भी हालत में वो हमारे हाथ आना चाहिए। इम्पॉसिबल, नामुमकिन है ये। अरे संपत वो शख्स है जो बड़ी आसानी से विदेश से 30 लाख के हीरे लेकर दिल्ली तक पहुंच गया है और उसे दिल्ली से यहाँ पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे 30 लाख के हीरे आ रहे हैं आज, और आज वो फ्रंटियर मेल से यहाँ पहुंच रहा है। और ये 30 लाख के हीरे केके के पास नहीं, हमारे पास आएंगे, तब पुराना हिसाब बराबर होगा। ट्रेन कब पहुंचती है? भाई साहब जी, ये कौन सा स्टेशन है? बोरीवली स्टेशन। ये कितनी देर में बॉम्बे सेंट्रल पहुंचेगी? आधे घंटे में। हवलदार, तुम लोग हर कंपार्टमेंट में जाकर सबक की तलाश करो। मैं इधर देखता हूँ। जी सर। आ,
किसी को बुला के लाती हूँ। आइए इंस्पेक्टर साहब। हाँ आइए, अभी देखता हूँ। अरे संपत, इसी के घर में तलाश थी। पर इससे तो हार्ट अटैक आया है। हौलदार जी साहब, एम्बुलेंस बुलाओ जी साहब, वैसे लेकर आता हूँ। हौलदार संभाल के। गाड़ी क्यों रोक दी? दुर्जन संपत, वो हीरे कहाँ है? मेरे हवाले करते हैं। साथ उस दिन कंपार्टमेंट में जो लड़की थी जी हाँ, उसका कुछ एड्रेस पता मिला? जी हाँ, प्लीज लिखिए। सुनीता वर्मा। सुनीता वर्मा, फाइव हेरिटेज अपार्टमेंट, फाइव हेरिटेज कार्टर रोड बांद्रा, कार्टर रोड बांद्रा बांद्रा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिस्टर जोशी। फार्म चाहिए, फार्म। मिस सुनीता। यस। मैं सब इंस्पेक्टर विनय कपूर हूं। मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। क्यों? हमें शक है कि स्मगलिंग के हीरे आपके पास हैं। यह रहा सर्च वारंट। ओके, आप अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you.
हेलो मिस सुनीता वर्मा। यस मी इंस्पेक्टर, मी इंस्पेक्टर गाइड टोंडे बोलता है। अपन जो बोलता है उसको गौर से सुनने का, जाती लंबी बात करने का नहीं, हाँ या ना में जवाब देने का। बोलो तुम्हारे पास कोई पुलिस वाला आयला है? हाँ। वो तुम्हारे सामान की तलाशी ले रहा है? हाँ क्यों? अरे बाबा वो असली पुलिस वाला नहीं है। वो तो नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? आप उस बदमाश को बातों के जाल में, प्यार के जाल में, माल के जाल में, मेरा मतलब है किसी भी जाल में फंसा के रखो। अपन 22.5 सेकंड में उधर पहुंचता है। ओके ओके। ये रहे वो ही। ये गए हाथ से गए गेले गेले। लेकिन सर आप कौन है? मैं? हाँ? मैं कौन हूँ? अरे भाई तू अहला साना की मी कौन है? एक गाय तोड़े। अहला गाय तोड़े नहीं, गाय तोड़े काय? गाय तोड़े, गाय तोड़े। लेकिन आप पहले तो बंद कर, बोलू ना बस फोन बंद कर। थैंक यू मिस सुनीता, आज आपने एक बहुत बड़े स्मगलर को पकड़वाया। अब इस नकली इंस्पेक्टर, मेरा मतलब है इस नकली इंस्पेक्टर को और ये असली डायमंड को पुलिस स्टेशन में जमा करवा के आता। चले हीरे मेरे बैग से निकले हैं, आप मेरा स्टेटमेंट नहीं लेंगे? जब डायमंड मिल गया तो स्टेटमेंट क्या को लेने का नहीं? चल साले चल। लेकिन ये अच्छा बाबा घेणार, तुझी घेणार, तुम्हारा स्टेटमेंट लेगा पर पहले इसको पुलिस स्टेशन में जमा करके आता है। चुप मारे, हमको शेंडी लगाता है, पुलिस को शेंडी लगाता है, गाय तोंडे को शेंडी लगाता है। चल बे लफड़े ऊ कर रहे ला। अब तो आमचा कार्यक्रम संपला, उद्या भेटूया किलबिल मध्ये। किलबिल किलबिल, अबे चौप गड़बड़ नको। आप इधर क्या करता है? मैंने सोचा कहीं आप मेरा बयान लेना भूल ना जाएं, इसलिए खुद ही चली आई। भाई जी बयान लेने के लिए रिवॉल्वर की नहीं जबान की जरूरत होती है। जब सामने सिकंदर जैसा चालाक मुजरिम हो तो जुबान नहीं गोली काम करती है। ओह तो तुम मुझे पहचान गई, कौन हो तुम? उसी रास्ते की मुसाफिर जो कभी महलों में खत्म होता है, कभी जेल की कोठरी में। ओ, तो तुम हमारी बिरादरी की हो? ना होती तो केके के डायमंड्स मेरे पास कैसे होते? हाँ डायमंड्स निकालो। सिकंदर की एक अदा है सुनीता जी, लूटा हुआ माल उसके मालिक को नहीं गरीबों के पास जाता है। गरीबों को इस अदा पे जी चाहता है, तुमसे पार्टनरशिप कर ली जाए, मंजूर है? मंजूर है। तुम्हारी खूबसूरती और मेरा दिमाग दुनिया की हर तिजोरी की चाबी बन सकता है। तो फिर मिलाओ हाथ। मारे को बचा लो माई बाप। कहिए क्या बात है? बात नहीं, डाकू। डाकू? हाँ। अरे एक होता तो भी कुछ नहीं था, दो होता तो भी मारे को डर नहीं लगता, मगर ये तो तीन तीन है। मारे को बचा लियो माई बाप। तीन तीन? क्या तीन तीन? अरे देखने में तो चिट्ठिया है मगर असल में मारी फांसी का हुक्मनामा है। थारे पाँव पड़ू, मने बचा लो माई बाप। के? हाँ हाँ
दुर्जन? हाँ। सिकंदर? हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग। अरे मारो जान जा रही है और आपको इंटरेस्ट आ रही है। कमिश्नर साहब, मारी एक अकेली बेटी है, मन की तिजोरी खोल के उसके वास्ते दहेज बढ़ायो है। अरे 30 लाख को तो खाली जवेरात है, अगर ये हरामखोर लूट ले गयो ना तो मारी तो हत्या हो जाएगी। आप बेफिक्र रहिए सेठ जी, आप नहीं लूटेंगे। वो तीनों बदमाश आपस में टकरा जाएंगे और सादे कपड़ों में वहाँ मौजूद हमारी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। आप जाइए और शादी का इंतजाम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माय बाप, बहुत बहुत धन्यवाद। तो समझ में नहीं आ रहा। मुबारक, क्या बात है सेठ जी, आज इतने घबराए क्यों है? कोई बात नहीं भाया, कोई बात नहीं। मारे को तो बोलियो तो, पर आयो को नहीं। मारो तो दिल धक धक करे, मैं तो मारो जाऊंगा। क्या हुआ? हमारे जमाने में तो वर्दी से भी चोर डरे नहीं, और आप तो वर्दी उतार के आ गए। मारो क्यों आएगा, मारो क्यों आएगा। घबराइए मत सेठ जी, हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बिजली के खंबे की माफक खड़ा रहना, बिल्कुल नहीं हिलना, हिलना मत। अगर तुम हिलेगा तो हमारा पोपट उड़ जाएगा, फिर किस्मत का हाल कौन बताएगा? पर भाया तू है कौन? अरे हम हम वो है जो हद देखते हैं ना पांव, जो दिन देखते हैं ना रात, सिर्फ थोपड़ा देखकर किस्मत का हल बना देते हैं। ये करेक्टर सस्पिशियस लगता है। ए, तू अंदर कैसे घुसाया? जबान संभाल के बात कर, शराब दे दूंगा तो इंस्पेक्टर से हवालदार बन जाएगा। ये तो बड़ो पहुंचे वो लागे है। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, मगर आप है कौन महाराज? हम है श्री श्रीमान मन मान ज्योतिष अलंकार पंडित पोपटलाल, फुटपाथ वाले। फुटपाथ कर पत्थर में जानता है, सड़क कर मोड़ में पहचानता है। हम दिल की बात बता सकते हैं, भविष्य का हाल सुना सकते हैं। महाराज, मने मारी छोकरी का भविष्य बता दोगे? अवश्य अवश्य, आइए आइए, लेकिन मेरे पोपट को संभाल के लाइए। आइए आइए, बताएंगे, अवश्य बताएंगे। हर दांत नहीं, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, हमारा पोपट बोलेगा। पोपट, अरे तू अभी तक किधर था? बबुआ मैं ना बोलू, मेरा पोपट बोले, मेरा पोपट बोले, मेरा पोपट बोले, मेरा पोपट बोले। देखो ये जादूगरी, चूसा लहू और तिजोरी भरी। ऐसे ठोकी देखो ये जादूगरी, चूसा लहू और तिजोरी भरी। इस माल पर है सभी की नजर, ले जाएगा कौन किसको खबर। दुनिया में जिनकी मची धूम है, वो है हमको मालूम है। चालाक है बनते भोले बड़े लुटेरों के।
पीछे लुटेरे पड़े। अरे पोपट मेरा पोल इनकी खोले खोले चोर 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 मेरा पोपट बोले मेरा पोपट बोले ओ मेरा पोपट बोले मेरा पोपट बोले। अरे दूध का दूध और पानी का पानी खुल जाएगी आज सबकी कहानी। दूध का दूध और पानी का पानी खुल जाएगी आज सबकी कहानी। देखेंगे सब किस में कितना है दम आखिर में मारेंगे मैदान हम। अरे जो लोग करते हैं हेरा फेरी मिटने में उनके है कितनी देरी। हम चाल एक ऐसी चल जाएंगे लाखों में बच के निकल जाएंगे। जला देंगे तुमको तुम्हारे शोले शोले मेरा पोपट बोले मेरा पोपट बोले वो मेरा पोपट बोले मेरा पोपट बोले। टंके की चोट पे कहने आया ताव पे सपना दिखाने आया। जैसा करेगा वैसा भरेगा नेकी बदी सबकी वो ही तोले तोले। हाँ ए भाई मैं नहीं बोलता मेरा पोपट बोले मेरा पोपट बोले ओ मेरा पोपट बोले मेरा पोपट बोले। चला अरे चलो मैं कहता हूं कमान। चल चल जल्दी जल्दी सब अपने घर यहां निकालो। हरिया 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 सब कुछ चलो मुझे अपनी हिफाजत के लिए तुम्हें अपने साथ रखना पड़ेगा। चलो ए लड़की ये ब्रीफ के सामने दो दो। शाबाश फेंको फेंको। इस वक्त के साथ मैं तो लुट गया मारो क्यों भाई को। घबराइए नहीं सेठ जी कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं वो लुटेरे हमसे बच के नहीं जा सकते। आहा अरे अब क्या पकड़े हैं पोपट वालों मारे को पोपट बना के चले जो। कहता क्यों थैंक यू बोले हैं। अरे तारो बाप मारो माल लूट के चले जो तुम्हारे को थैंक यू बोले हैं। सरदा ओ सरदा
शारदा। हाँ भैया। देख कितनी खुशी की खबर है। क्या? तेरे ससुराल से चिट्ठी आई है, अगले महीने की 10 तारीख को तेरी शादी का मुहूर्त निकला है। अरे पगली शर्मा गई। अरे इस बात पर एक बढ़िया गर्मा गर्म चाय हो जाए। हाँ भैया, मैं अभी दूध लेके आती हूँ। दूध? कोई है? क्या चाहिए तुझे? जी वो थोड़ा दूध चाहिए। ओ भीरू, कहाँ है? दे दे इसे दूध। ला। पैसे यहाँ नहीं, वहाँ दो। ये लीजिए पैसे। ओ वीरू, रामू, गंगवा, अपनी की शुक्रिया को तो देखो। इतनी खूबसूरत जोकरी से दूध के बदले पैसे कौन लेगा सारा? मेरी बात मान ले रानी, दूध तो क्या, ये सारा तबेला तेरे नाम कर दूंगा। लगवा दे ऐसे डुबकी। दूध चाहिए पानी, पहले पानी तो पी ले। अब कहाँ जाएगी? जरूर इस लड़की ने कुछ ना कुछ किया होगा। भाई की चहती है ना, सारे गांव में इखलाती फिरती है, जरूर किसी से आंखें लड़ाई होगी। खामोश मौसी, अगर ये बात किसी और ने कही होती ना तो मैं उसकी जुबान खींच लेता। चलो सरदा। लो सुन लो जरा। चलो भाई चलो। हाँ हाँ चलो 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 चलो। Oh.
हाय कितनी सुंदर लग रही हो। हाय किसी की नजर न लग जाए। यजमान कन्या को बुलाइए, फेरों का समय हो रहा है। बजरंगी बेटे बेटी को ले आओ। हाँ काकी अभी लाया। फेरे वेरे तो हो ही जाएंगे भैया, पहले जरा हमारा तुम्हारा हिसाब किताब तो हो जाए। हाँ हाँ मुखिया काका ये भी कोई कहने की बात है, बजरंगी ना दिल का छोटा है ना हाथ का खोटा है। ये देखिए ये रहे आपके 10,000। सिर्फ 10,000? बड़ी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़ा है काका, लेकिन जो रकम तुमने मांगी थी ना उससे एक पैसा कम नहीं है। हाँ जब 10,000 मांगे थे तब बात और थी, अब 20,000 से कम में डोली नहीं उठेगी। ये क्या मुखिया काका, 2 महीने में तुम्हारे बेटे का भाव इतना बढ़ गया है क्या? ना 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 ना, ना। बेटे का भाव नहीं बढ़ा, तुम्हारी बहन की इज्जत घट गई। कैसे तुम तो जानते ही नहीं, पूरा गांव जानता है कि तुम्हारी बहन के साथ 4 गुंडा। अगर तुमने हमारी बहन के बारे में एक शब्द और निकाला तो तेरी गंदी जबान फेंक देंगे, तुझे जान से मार डालेंगे। ये क्या कहना बजरंगी, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। ताकि ये हमारी सीधे देती साधना पर लांछन लगा रहा है और तुम के दुनिया में शोभा नहीं देता। अरे एहसान मानो जो मैंने सब सुनने के बावजूद हाँ कर दी। अरे जा चला जा यहाँ से, ऐसे नीच के यहाँ हमें अपनी बहन की शादी नहीं करनी। अरे निकल जा यहाँ से कमीना कहीं। हाँ, हाँ, रखो अपनी बहन को घर पे, भला कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी। चुप हो जा, बताएंगे कुछ बोलना नहीं, डोले नहीं तेरी अस्थी लेकर जाएंगे। नहीं बजरंगी तेरे को मेरी कसम है बेटे, नहीं। चलो भाइयों महाराज वापस ले चलो। अरे जाओ चले जाओ इसे, सब के सब चले जाओ, छोड़ो मुझे। बजरंगी देखा काकी, ये लोग हमारी शारदा को बदनाम कर रहे हैं। क्या हमारी देवी समान शारदा कलंक नहीं है? नहीं बेटे, मैं जानती हूँ कि हमारी शारदा पवित्र है, लेकिन यहाँ लड़की पर एक बार कलंक लग गया तो उस दाग को मिटाना बहुत मुश्किल है बेटे। नहीं काकी नहीं, बजरंगी अपनी बहन के लिए सब कुछ करेगा, सारी दुनिया से लड़ेगा। अरे शारदा ये क्या कर रही है तू? मैं अब मुंह दिखाने लायक नहीं रही भाई। अरे पगली तेरा मुंह देखकर तो हम जी रहे हैं, जब तक हम जिंदा हैं कोई तेरी तरफ उंगली भी उठाएगा ना तब उसके हाथ काट देंगे। हाँ मेरी वजह से इस गांव में आपकी बदनामी हो, ये देखने से पहले मुझे मर जाने दो। नहीं शारदा नहीं, मर जाने दो। कैसी बात करती है तू, तू तो हमारी जिंदगी है। जिस गाँव में हमारी बहन की इज्जत नहीं हम उस गाँव को ही छोड़ देंगे, हम भी और चले जाएंगे काकी। कहीं और के चले जाओगे? तुम्हारी काकी मर गई है क्या? अरे तुम लोग मेरे साथ शहर चलो, अकेली जान हूँ, दोनों साथ रहोगे तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा। आओ बेटी। ठीक है काकी, चलो हम शहर चलते हैं। चलो चलो जाओ, सिकंदर पर नजर रखो, मौका मिलता ही उसे खत्म कर दो।
लिखा, मुझे तुझसे है कोई काम लिखा। मेरी है ये डायरी डायरी मैं इसे पढ़ने के लिए निकाला था। हाँ, अब नहीं, नहीं। अरे जाने मन, इस डायरी को पढ़ने के लिए तुमने गाना गाया, मुझे नाच दिखाया और न जाने क्या क्या किया। कोई बात नहीं, इसे पढ़ लो ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। करेक्ट, लेकिन इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। सिकंदर के एक एक पल का हिसाब, मगर इसे पढ़ने के लिए सिर्फ सिकंदर की आंखें चाहिए। मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, मुझे तो मालूम होना चाहिए ना कि मेरे पार्टनर ने इसमें क्या क्या लिखा है। सुनीता, इसमें मेरे सारे राज लिखे हुए हैं, मेरे एक एक पैसे का हिसाब और उस खजाने का पता भी है जिसमें गरीब और लाचार लोगों के लिए सिकंदर ने दौलत जमा की। मगर इस खजाने का राज सिकंदर के मरने के बाद ही मालूम हो सकता है। तो समझ लो कि तुम्हारी मौत आ गई। दुर्जन, पकड़ लो इन दोनों को। और आज ये दुर्जन सिर्फ अपना माल ही नहीं, तुम्हारा वो सारा खजाना भी छीन लेगा। और उस खजाने का पता तुम बताओगे या फिर ये डायरी लाओ। इस लड़की को तुम पकड़ के रखो और मैं इस साले को पकड़ता हूं।
भाई। जी सिकंदर साहब। इस डायरी को संभाल के रखना, मैं बाद में ले लूंगा। अच्छा सिकंदर साहब। सिकंदर मर गया? यकीन नहीं आता कि सिकंदर इतनी आसानी से मर सकता है। अब तक तो उसकी लाश जंगली जानवरों का पेट भी भर चुकी होगी। अच्छा शाबाश शाबाश शाबाश। इसका मतलब है कि हमारे रास्ते का एक जहरीला कांटा निकल गया। अब बचा है दुर्जन, उससे हम निपट लेंगे। सिकंदर की मौत के नाम। बजरंगी, ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे काकी, जिस काम के लिए शहर आए हैं वही तो करने जा रहे हैं। मेहनत मजूरी करेंगे, चार पैसे जोड़ेंगे और फिर अपनी छोटी सी गुड़िया शारदा के लिए गुड्डा ढूंढेंगे, है ना? अरे शर्मा गई। अरे काकी आशीर्वाद दो। जीते रहो बेटा, शारदा के लिए गुड्डा ढूंढते ढूंढते खुद मत फंस जाना। यहाँ की लड़कियाँ एक बार पीछे पड़ गयी तो घर आना मुश्किल हो जाएगा। अरे बाप रे काकी, मैं तो उनको देखूंगा भी नहीं। जय सियाराम जय सियाराम। यहाँ सब भागे चले जा रहे हैं। हमें का अरे वाह भाई वाह, कितने ऊंचे ऊंचे मकान। वाह कहा मुंबई शहर है। हमें अच्छी सी नौकरी मिल जाए और हम चार पैसे जोड़कर अपनी सादा की शादी बड़े धूमधाम से कर सके, ताकि हम गांव वालों को बता सके कि बजरंगी जो सोचता है कर दिखाता है। हम चलो जल्दी जल्दी जल्दी। सिकंदर सिकंदर सिकंदर, क्या बात है? बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। हमारी तो आँख ही तरस गई है तुम्हें देखने के लिए। भेस बदल कर किससे फंसाने जा रहे हो? आप देखिए देखिए देखिए, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। हम सिकंदर नहीं हैं, हम रंगपुर के बजरंगी हैं। सिकंदर है? तुम्हारा रंगपुर का रंग हम पे नहीं चढ़ेगा। तुम्हें कोई पहली बार नहीं देखा भेस बदलते हो। अरे हमने कहा ना कि हमने कोई रूप नहीं बदला। हम सिकंदर नहीं हैं, हम बजरंगी हैं। जय सियाराम। अरे अरे सिकंदर सिकंदर, इस बात पर एक किस हो जाए का होता है। अरे अरे सिकंदर, अरे रुको सही, रुको तो सही। अरे सिकंदर ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश जय सियाराम। देखो ये कुत्ता तो साष्टांग प्रणाम कर रहा है। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। अरे कहाँ गायब हो गया? चलो इधर देखते हैं। चलो। अरे यहाँ तो नहीं है।
फिर कहाँ गया? चलो बाहर देखते हैं। हाँ चलो 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 जल्दी चलो जल्दी। अरे महाराज तो गायब हो गए। अरे वो महाराज नहीं थे, भगवान थे, दर्शन देने आए थे। धन्य हो, जीवन सफल हो गया। बोलो जय सियाराम। जय सियाराम। सलाम साहब। जय सियाराम। सब कुशल मंगल तो है ना भैया? जी। अरे भैया ये कैसा शहर है तुम्हारा, जिसे देखो मान ना मान मैं तेरा मेहमान पीछे ही पड़ जाते हैं। अब वो छोकरियां सुसरी बीच सड़क में न जाने क्या क्या कर रही थी। छी 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 छी, मारे शर्म के हमारे गाल ही ला लोगे। देखो देखो। बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे, क्या एक्टिंग किया है। लगता है आज के फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पहला इनाम आप ही को मिलेगा सिकंदर साहब। फिर सिकंदर, हम कितनी बार कहेंगे कि हम सिकंदर नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे बाप रे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। लगता है क्वाइट प्लीज, यहाँ तो नौटंकी होने वाली है। हाँ। दोस्तों, आज की ये हसीन शाम चेहरे पे चेहरा लगाने वालों के नाम, आप जो कुछ है उसे छुपाइए, जो नहीं है उसे दिखाइए। छुपाइए दिखाइए। अरे ये नौटंकी तो नहीं है। चलो भाई, सबसे ज्यादा शानदार ड्रेस बदलने वाले को ये 50,000 रुपए की अंगूठी और ये 50,000 रुपए कैश में मिलेगा। 50,000 रुपया नकद? जय सियाराम। अरे इतने पैसों से तो हम अपनी शारदा की शादी ऐसे धूमधाम से कर सकते हैं कि सारा मुखिया जी देख रहे। माफ करना, अरे वाह वाह, क्या लग रहा है सिकंदर। वेरी गुड सिकंदर। अरे भाई हम सिकंदर नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाय सिकंदर। लगता पूरा शहर ही पागल हो गया। हाँ सिकंदर। आप कौन? अरे इधर भी। जब यही आना था तो भाग क्यों रहे थे? हाँ अरे कम ऑन लेट्स चैट सिकंदर। अरे काहे भैंस की गोबर की तरह टपक पड़ रहे हो? हमने कहा ना कि हम सिकंदर नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो फिर कौन हो तुम? सर पे पगड़ी, हाथ में लाठी, मुंह में डाले पान। सर पे पगड़ी, हाथ में लाठी, मुंह में डाले पान। शहर में आया गांव वाला, लोगों करो प्रणाम। शहर में आया गांव वाला, लोगों करो प्रणाम। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, राम राम, जय सियाराम। खुशियां चुराई, अरे धोती और कुर्ते की खिल्ली उड़ाते हो, मेहनत की है ये कमाई। हाँ सारे शरीफों के चेहरे से पल में चाहूं तो
उठा दो, दो हाथ मेरे हजारों पे भारी, देखो तो कर तब दिखा दो, काम कर दू तुम्हारा तमाम, जैसी आराम 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 राम राम जैसी आराम। हेलो के साहब, सिकंदर जिंदा है। क्या कहा, सिकंदर जिंदा है? ममता से छल के मन बाहों में अपनापन, प्यार की विरासत है पाई। अरे गंगा से पावन जो गांवों की मिट्टी, वो तन मन में हमने बसाई। लक्ष्मण से भाई है वो कहां सीता माई, आया तुम्हें याद फिर से दिलाने, शिक्षा जो तुमने भुलाई, सीख लोगे तो आएगी काम, जैसी आराम जैसी आराम जैसी आराम जैसी आराम। सर पे पगड़ी हाथ में लाठी, मुंह डाले जेंटलमैन, सारे जजों के फैसले के मुताबिक आज के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में इनाम जीता है गांव के ड्रेस ने। प्लीज प्लीज कीप साइलेंस, शांत हो जाइए। अब मैं हमारी चीफ गेस्ट मिसेस पाटिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इन्हें इनाम दें। हमने कुछ नहीं किया, हम तो वो होटल में जा भी नहीं रहे थे, मगर उस दूसरी छोकरे ने हमें ढकेल दिया तो हम कहा करते हैं। हमने तो अपने गांव की मुखिया के सामने भी कभी हाथ नहीं फैलाए, बहुत गैरतदार हैं हम। झूठ बोलते हो, तुम गैरतदार नहीं हो, तुम चोर हो, चोर। नहीं साहब, हमने चोरी नहीं की, आपकी कसम, आपके बाल बच्चों की कसम। वो होटल के बड़े साहब ने जबरदस्ती हमें ये मोटी रकम और ये अंगूठी दे दी तो हम क्या करते, हम सच कहते हैं साहब, आप इनसे पूछ लो, हमने चोरी नहीं की। ठीक है, अगर तुम चोर नहीं हो तो फिर हमारा माल कहाँ है? माल? अरे सरकार, हमने आपको नहीं देखा तो आपके माल को कहाँ से देखेंगे? नाटक नाटक नाटक, पहले मरने का नाटक किया, पकड़ा गए तो दूसरा नाटक कर रहे हो? नहीं, ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है साहब। हम भी रंगपुर के बजरंगी हैं, अगर हम इस शहर में कमाने ना आए होते ना तो ये हाथ को तोड़कर यहाँ रख देते। ले जाओ, बांध दो शर्म साथ। बस खुदा, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम जैसा पुराना पापी इतनी जल्दी नहीं बोलेगा, लेकिन हम भी इस खेल में नए खिलाड़ी नहीं है। हम भी इस खेल के सारे दांव पेच अच्छी तरह से जानते हैं। अरे अरे अरे, वाह रे शहर वाले वाह,
कभी तो जबरदस्ती पैसा और अंगूठी देते हो और फिर छीन लेते हो और कभी ताज पहनाकर राजा बनाते हो। गलत, बिल्कुल गलत। हम ये ताज पहनाकर राजा नहीं बनाते, सच गुलवाते। हाँ बोलो, हमारा माल कहाँ है? हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं नहीं मालूम नहीं। अब भी बता दो कि माल कहाँ है। हमें हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम? आखिरी बार पूछता हूँ, बता दे माल कहाँ है। हमें नहीं मालूम। इसके साथ ऐसे ही करते रहो जब तक ये पता न दे के इसने माल कहाँ छुपा रखा है। मारूंगा तो मैं तुझे, बताओ खजाने का पता बता। सर सिकंदर जिंदा और केके के कब्जे में। केके के कब्जे में है? हमारा शिकार केके के कब्जे में है? ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जाओ सिकंदर को हमारे पास लेकर आओ। ओके सर। दे दे सिकंदर, वरना तेरी आंखों के सामने तेरी महबूबा के जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। हम सच कहते हैं साहब, हम सिकंदर नहीं हैं। हमें डायरी के बारे में कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम? नहीं। नहीं साहब, मत मारिए इन्हें। हम सच कहते हैं, ये देवी हमारी महबूबा नहीं है। हमने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। नहीं देखा? फिर मर जाने दे इसे। बहुत हो चुका, हमारी वजह से इस देवी पर बहुत जुल्म हो रहा है। अगर तुमने इस पर हाथ उठाया तो हम तुम्हारा हाथ तोड़ेंगे। इसके होश में आते ही मुझे खबर कर देना। चलो। सिकंदर 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 होश में आओ। सिकंदर कैसे हो तुम? अरे हम सिकंदर नहीं हैं, हम बजरंगी हैं। अपनी छोटी बहन शारदा की शादी कराने के लिए गांव से शहर आए थे और इस मुसीबत में फंस गए। न जाने हमें सब लोग सिकंदर क्यों समझते हैं। तो तुम सिकंदर नहीं हो? बिल्कुल नहीं। देवी माँ की कसम, अपनी शारदा की कसम, आपकी कसम। तुम तो सचमुच सिकंदर नहीं हो, फिर तुमने दुर्जन से मुझे क्यों बचाया? हम आप पर जुल्म होते कैसे देख सकते थे? अगर हम नहीं रोकते तो वो दुष्ट आपको मार डालता। यहां से निकलने की कोई तरकीब नहीं हो सकती देवी? कल से घर नहीं गए हैं, हमारी शारदा रो रोकर आधी हो गई होगी। एक तरकीब हो सकती है। ठीक है, जल्दी आओ जल्दी आओ, सिकंदर मर गया। जल्दी आओ, देखो सिकंदर मर गया, जल्दी आओ। दरवाजा। अरे क्या हुआ?
जल्दी। पुलिस, तुम उस तरफ जाओ, मैं यहां से जाती हूं। लेकिन आप, मैं कहती जाओ ना, जाओ। सादा भैया, सादा चल जल्दी यहां से निकल जाते हैं। वो लोग जाएगा कहां? अरे कभी हाथ मत लगा, हाथ मत लगा मेरी बहन को। छोड़ो 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 मेरी बहन को। गाड़ी में टाइम बम लगा दिया है, अब तुम्हारा भी खेल खत्म। Thank you.
शारदा, हम तुम्हारे चिता के सामने कसम खाकर कहते हैं कि हम उन खुनियों को नहीं छोड़ेंगे, हम उन खुनियों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बजरंगी, तुम उनसे कैसे बदला ले सकोगे? दुर्जन और के ऐसे गुंडे हैं कि जिनसे सिकंदर भी मुकाबला ना कर सका और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सिकंदर, 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 ये सिकंदर कौन था जिसकी वजह से हमारा सर्वनाश हो गया? वो एक शरीफ बदमाश था, गुंडों को लूटता था, गरीबों को खिलाता था और तुम्हारा हम शक्ल था। केके और दुर्जन की निगाहों में तुम सिकंदर हो, उनके दुश्मन, और इसीलिए उन्होंने तुम्हारी बहन की जान ले ली। ओ, लेकिन कुछ भी हो जाए, शारदा के खून का बदला हम उन पापियों से जरूर लेंगे। अगर तुम्हें अपनी बहन और सिकंदर का बदला लेना है तो खुद तुम्हें सिकंदर बनना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। हम कुछ भी बनने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम सौगंध खाते हैं, आज से हमारा जीना उनके मरने के लिए होगा। जय सिया राम। Good. माफ करना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बजरंगी नहीं, सिकंदर। सिकंदर? हाँ, अब मैं सिकंदर हूं। वो बजरंगी जो गांव से अपनी छोटी बहन शारदा की शादी करने के लिए शहर आया था, वो शारदा के साथ ही कुचलकर मार डाला गया। मैं जानती हूं बजरंगी, एक छोटे से सपने को साकार करने की कितनी बड़ी कीमत देनी पड़ी है तुम्हें। आपने कभी कोई सपना देखा है? नहीं, मगर अब जी चाहता है देखो प्यार का एक सुंदर सपना। मत देखना, जब कोई सुंदर सपना टूटता है तो उसका जहर रोम रोम में उतर जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है।
पुरानी बातों को हर समय याद मत किया करो बजरंगी, तुम पागल हो जाओगे। भूल भी कैसे सकता हूं, एक एक याद एक एक जख्म बन गई है। सिकंदर को किसने हराया है, सिकंदर को कौन हराएगा, जब जब सिकंदर आएगा। का सर झुक जाएगा, एक एक जख्म का लूंगा मैं हिसाब, एक एक जख्म का लूंगा मैं हिसाब, एक एक जख्म का लूंगा मैं हिसाब, एक एक जख्म का लूंगा मैं हिसाब। Thank you.
हेलो इंस्पेक्टर वर्मा। हेलो सर। बैठो सुनीता। थैंक यू। क्या रिपोर्ट है सर? हमने जो प्लान बनाया था उसके मुताबिक बजरंगी को सिकंदर बनाया जा चुका है। गुड सर। बजरंगी ने दुर्जन और केके से अपनी बहन का बदला लेने के लिए जो कुछ किया है उससे दोनों बदमाशों को ये यकीन हो चुका है कि वो सिकंदर ही है। क्या किया सिकंदर ने? बजरंगी ने। उसने दुर्जन की सारी ताकत खत्म कर दी है। उसके नहायत ही खतरनाक किल गैंग का सफाया कर दिया है। केके के बहुत से गुंडे या तो मर चुके हैं या पुलिस के हाथ आ गए हैं। इस वक्त केके और दुर्जन सिकंदर से इसी तरह डरते हैं जैसे चूहे बिल्ली से। तो फिर तुम उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती? दुर्जन और केके को उस वक्त तक नहीं पकड़ा जा सकता जब तक सिकंदर की डायरी हमारे हाथ नहीं आ जाती। मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? ये बताने के लिए कि सिकंदर तुम्हारे पीछे है और मैं तुम्हारे सामने हूं। बचने का कोई रास्ता नहीं। दुर्जन इन बातों से डरने वाला नहीं है केके। मेरा मुकाबला करना आज भी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। मुकाबला? मुकाबला तो बराबर वालों में होता है दुर्जन। तुम एक ऐसे शिकारी कुत्ते हो जिसके दांत गिर चुके हैं। शिकारी कुत्ता नहीं, कुत्ते शेर। वो शेर जो दुश्मन के इलाके में भी निहत्ता आता है। गर्म होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा किल गैंग मारा जा चुका है और मैं ये भी जानता हूं कि तुम सिकंदर से बदला लेने के लिए तड़प रहे हो। मतलब की बात करके के मतलब ये कि अगर सिकंदर को खत्म करना चाहते हो तो मुझसे सुलह कर लो। सिकंदर एक है और हम एक और एक मिलकर 11 हो सकते हैं। सिकंदर का खजाना किसे मिलेगा? दोनों को 50-50 आधा आधा। सिकंदर से बदला लेने के लिए मैं सांप से भी दोस्ती कर सकता हूं। हाँ। तो फिर मिलाओ हाथ। सिकंदर साहब, सिकंदर साहब, आपकी अमानत जो आपने रखने को दी थी ले लीजिए ना, ले लीजिए सिकंदर साहब। भगवान आपकी उम्र लंबी करे। सुनीता? हाँ सुनीता, यह है वो डायरी जिसके लिए सिकंदर का खून हुआ था। हाँ ये वही डायरी है, मगर तुम्हें कहाँ से मिली? सिकंदर ने एक भिखारी को दी थी और उस भिखारी ने हमें सिकंदर समझकर हमें लौटा दी। पहले जब मैंने इसे देखा था तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा था। सिकंदर एक खास से ऐसे लिखता था जो दिखाई नहीं देती थी लेकिन पानी गिरने पर शब्द उभर आते थे। ये देखो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, उसके खजाने का पता भी। वेरी गुड। अब केके और दुर्जन पुलिस के जाल से कहां भाग सकेंगे? पुलिस? ये पुलिस कहां से आगे बीच में?
तो बहुत दिनों से बीच में है बजरंगी। क्या मतलब? मैं पुलिस ऑफिसर हूँ बजरंगी। पुलिस ऑफिसर? नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। ये देखो, सब इंस्पेक्टर सुनीता वर्मा ऑन स्पेशल ड्यूटी। सुनीता, तुमने तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया बजरंगी। हमसे हमदर्दी जताकर बजरंगी से सिकंदर बना दिया, क्या ये धोखा नहीं है? हमें अपने प्यार के जाल में फंसाकर केके और दुर्जन के मुकाबले में उतार दिया, क्या ये धोखा नहीं है? ये सब कुछ तुमने हमसे इसलिए करवाया ताकि हमसे वो सब कुछ करवा सको जो तुम्हारी पुलिस नहीं कर सकी। केके और दुर्जन को खत्म कर सको, सिकंदर के राज जान सको और इस डायरी को हासिल कर सको। नहीं बजरंगी, ऐसा मत कहो। मेरा प्यार धोखा नहीं है। मेरे शरीर पर पुलिस की वर्दी जरूर है, मगर इस वर्दी के अंदर जो दिल है वो एक लड़की का है। एक ऐसी लड़की जो तुम्हें प्यार करती है, जो तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, जो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए इतनी हमदर्दी है तो फिर ये डायरी क्यों मांग रही हो? इसे रहने दो हमारे पास, हम इसके जरिए अपने दुश्मनों से बदला लेंगे, वो कसम पूरी करेंगे जो हमने अपनी बहन की चिता पर खाई थी। तुम समझते क्यों नहीं बजरंगी, ये डायरी नहीं सिकंदर के खजाने की चाबी है। इसे लेने के लिए केके और दुर्जन तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। अरे ले ले हमारी जान, जान की परवाह उसे होती है जिसे जीने की लालसा हो। हम तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन हमारी मासूम बहन की मांग में सिंदूर की जगह खून भर दिया गया, और हम कुछ नहीं कर सके। हम उन कुत्तों से बदला लेंगे, जरूर लेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता, न तुम न तुम्हारी पुलिस न किसी बंदूक की गोली। ये डायरी पुलिस को उसी वक्त मिलेगी जब केके और दुर्जन खत्म हो चुके होंगे या हम। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए शरबत लेकर आती हूँ। ये लो। सुनीता, सुनीता, बजरंगी, प्यार तो माफ कर सकता है लेकिन फर्ज नहीं। मुझे मालूम है तुम मुझे जरूर माफ कर दोगे। यस सर, मैं सुनीता बोल रही हूँ। डायरी मिल गई है, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ। वेरी गुड, तुम जल्दी आ जाओ यहाँ पर। ओके, दैट्स गुड। अरे चल रहा हूँ। बहुत अच्छे, डायरी भी मिल गई और खजाने का पता भी। चादर चल खजाने की तरफ। अरे सीढ़ियां एक बड़े हॉल में उतरती है। ये रहे, आ गए। बीच में एक पिलर है, फुवारा। उसके पीछे शंकर की मूर्ति है। ये रहे, ये पकड़ से आगे पढ़ो। हाँ, मूर्ति को बाएं तरफ हटाने से खजाना। अरे दुर्जन, अरे बाबा, 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 बाबा,
हम करोड़पति बन गए। जल्दी से बैठ ला। ये सब दौलत अपनी है, सब दौलत। चलो जल्दी खोलो। ठीक है, हम इस दौलत से काली दुनिया के राजा बन जाएंगे और इस सारी दुनिया पे राज करेंगे। राज राज नहीं, जेल की चक्की पीसोगे चक्की। बेवकूफ पुलिस ऑफिसर बेचारी सिकंदर से मिलकर हमें बर्बाद करना चाहती थी। देखा हमारी शैतान खोपड़ी का कमाल, देखा। बेचारे सिकंदर ने बड़ी मेहनत से इतनी दौलत चुराई थी हमसे, लेकिन हमने एक ही झटके में सारी दौलत वापस ले ली, और वो भी सूट के साथ मेरी जान। ये गरीबों की अमानत को लूट कर कहाँ भाग सकोगे? पुलिस और सिकंदर को भूल गए? नादान लड़के, इतनी बेशुमार दौलत को लेकर हमें यहाँ ठहरने की क्या जरूरत है? हम इस दौलत को लेकर इस देश से बाहर चले जाएंगे, और हाँ, जाने से पहले तुम्हारी कब्र जरूर बनाएंगे। हाँ। तुम्हारी पुलिस और सिकंदर के लिए एक नाचीज सा तोहफा। कब्र तो तुम लोगों की उसी रोज खुद गई थी जिस रोज तुम लोगों ने मेरी बहन को मारा था। आज मैं तुम लोगों का वो हाल करूंगा कि तुम लोग अपनी जिंदगी से नफरत करने लगोगे और अपनी मौत के लिए खुद दुआ मांगोगे।
थोड़ा क्यों, तू ये पूरा ही ले ले, ले। राम कर सिकंदर, रहम। मरने से पहले अपनी गलतफहमी दूर कर ले कमीने, मैं सिकंदर नहीं उसका हमशक्ल बजरंगी हूं। बजरंगी? हाँ वही बजरंगी जिसके सामने तूने उसकी मासूम बहन को कुचलकर मार डाला था। माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दे बजरंगी। नहीं, आज तुझे इसी जगह मेरी शारदा के एक एक खून के कतरे का हिसाब चुकाना है। सुनीता, आज अपनी बहन शारदा की चिता पर खाई हुई मेरी कसम पूरी हो गई। इन पापियों से मैंने उसकी मौत का बदला ले लिया। बजरंगी, इन खतरनाक स्मगलरों का सफाया करने में तुमने पुलिस की मदद की है, सरकार तुम्हें जरूर इनाम देगी। नहीं साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपने गांव वापस चले जाएंगे, अब यहां नहीं रुकेंगे। इस शहर के दावपेच बड़े टेढ़े हैं, यहां आकर हमने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ। ऐसा मत कहो बजरंगी, ऐसा मत कहो। इस शहर में तुमने सब कुछ खोया नहीं, कुछ पाया भी है बजरंगी।
पगड़ी। हाँ।